प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज देश में 85,000 करोड़ रुपए की रेलवे की परियोजनाएं का वर्चुअल उद्घाटन किया, जिसमें 10 वंदे भारत ट्रेन और 4 वंदे भारत ट्रेनों का विस्तार किया गया है। रेलवे के ADRM मनीष गोयल ने बताया कि सभी स्टेशनों पर वोकल फॉर लोकल मिशन के तहत हर रेलवे स्टेशन पर शॉप खोली गई है। जिन पर किफायती दामों पर स्थानीय सामान मिलेगा। इसके अलावा स्वरोजगार को भी बढ़ावा मिलेगा। यहाँ सबसे बड़ी बात यह है कि इन दुकानों पर किफायती दरों पर यह सामान उपलब्ध कराया जाएगा, जिससे रेल यात्रियों को बाजार में जाने की समस्या से निजात मिलेगा और रेलवे स्टेशन पर ही सामान खरीद सकेंगे। उन्होंने कहा कि वन स्टॉप वन शॉप के तहत यह दुकान खोली गई है, जिसमें स्थानीय सामान चाहे कुंभकार हो या मिठाई हो, यह उपलब्ध कराई जाएगी। उन्होंने बताया कि हर स्थान का अपना महत्व है, वहाँ की हर चीज कोई ना कोई महत्व रखती है। उन सामानों को इन रेलवे स्टेशनों की शॉप पर बेचा जाएगा। स्थानीय उत्पादों को बेचने के लिए एक मार्केट की जरूरत थी, जिसमें रेलवे स्टेशन सबसे सर्वोत्तम स्थान को चुना गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यहाँ पर डेडिकेटेड कॉरिडोर का राष्ट्र को समर्पित किया है। जन औषधि केंद्र भी खोला गया है। देश में करीब 6,000 स्थान पर यह सुविधा उपलब्ध कराई गई है। कार्यक्रम में मौजूद केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव, वन एवं पर्यावरण मंत्री संजय शर्मा, पूर्व विधायक रामहेत यादव, जिला अध्यक्ष अशोक गुप्ता, पूर्व विधायक जयराम जाटव, महापौर घनश्याम गुर्जर, पूर्व जिला अध्यक्ष संजय नरूका सहित तमाम कार्यकर्ता मौजूद थे।